का संज्ञान लेते हुए भारतीय सेना ने फैसला किया कि नाथुला से लेकर सेबुला तक के दर्रे के बीच में तार की बाड़ बना दी जाए। तार की बाड़ बनाने का जिम्मा 70 फील्ड कंपनी ऑफ इंजीनियर्स एवं 18 राजपूत की एक टुकड़ी को सौंपा गया। भारत को सीमा पर बाड़ बनाते देख चीन बुरी तरह बौखला गया। उसने 11 सितंबर को बाड़ बनाते भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले में भारत के करीब 70 जवान शहीद हो गए। चीन के इस हमले से भारतीय सैनिकों का खून खौल उठा और भारत ने जवाबी हमला कर दिया। भारत ने कई चीनी बंकरों को ध्वस्त कर दिया और करीब 400 चीन जवानों को मार गिराया। तब का दिन है और आज का दिन चीन ने कभी नाथुला पास की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। अब आपको भारत और चीन के बीच चोला पास पर हुई लड़ाई के बारे में बताते हैं। नाथुला पास में चीन के मुंह की खाने के 15 दिन के अंदर भारत चीन के बीच एक और जंग हुई। इस बार जंग का मैदान था चोला पास। भारत चीन सीमा पर लगे इस बोर्ड में चोला पास पर हुई लड़ाई की कहानी दर्ज की गई है। हरे रंग के इस बोर्ड पर आपको लाल रंग का ये पत्थर दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ हुई लड़ाई का कारण बना। चोला पास पर भारत चीन की सीमा काफी पास है। सीमा पर महज 2 मीटर की दूरी पर दोनों देशों के 3-3 सैनिक खड़े थे। एक पत्थर को लेकर दोनों तरफ के सैनिकों में बहस हो गई और एक चीनी सैनिक ने भारतीय सैनिक पर हमला कर दिया। जवाब में दूसरे भारतीय सैनिक ने खुखरी से चीनी सैनिक के दोनों हाथ काट दिए। इस झड़प के बाद चोला पास पर लड़ाई शुरू हो गई जो शाम तक चलती रही। इस लड़ाई में भारत के करीब 20 जवान शहीद हुए जबकि चीन के 44 जवान मारे गए। अपने जवानों को भारत के सैनिकों के हाथों मरता देख चीन ने पीछे हटना ही बेहतर समझा। जब भी भारत और चीन के बीच तनाव पैदा होता है तो चीन भारत को 1962 की याद दिलाता है। हालांकि चीन 1967 में ही बता चुका है कि भारत अपनी सीमाओं की हिफाजत करना अच्छी तरह जानता है और अगर कोई भारत से उलझेगा तो नुकसान उसी का होगा।